तो हर हर महादेव, जय श्री शंकर, नमस्ते, जय श्री राम भाई। महादेव की कृपा हो गई, सावन के महीने में हमको इतना बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। यानी ये देख सकते हो भाई, महादेव की इतनी की बड़ी कृपा। शिवरात्रि के दिनों में जो हमने चीज़ मंगवाई गई थी और वो चीज़ हमें सावन के महीने में दे आई है, कि बहुत ही भाई लक्की हम अपने आप को मानते हैं कि महादेव ने हमको ये चीज़, ये बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है भाई। जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको ही मिलती है, वैसे तो नहीं मिलती, लेकिन आप कहीं से भी वैसे लोटलाक्स खरीद सकते हो। लेकिन ये सिद्ध हुए मंत्रों के जवाब से, सिद्ध हुए भाई। ये लोटलाक्स हैं, इनमें धागे हैं, अभय सूत्र है, हाथ में बांधने का विभूति है भाई। मैं इनको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, ज़्यादा तो मुझे इस कुछ पता नहीं, लेकिन आप ईशा रुद्राक्ष दीक्षा फाउंडेशन पे जाके आप गूगल कर सकते हो, ईशा रुद्राक्ष फाउंडेशन, तो वहाँ पे जाके आप देखिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं इनको अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले देख सकते हो भाई, हमने ये मंगवाए थे हमने दो दो पैकेट। इसमें भी दो रुद्राक्ष है और इस पैकेट में भी दो रुद्राक्ष है। ये मैंने इसलिए उल्टा कर दिया भाई, इसमें नाम वगैरह लिखा हुआ मैंने और इसका नाम मैंने हटा दिया गया है। तो ये देख सकते हो, ये पहले रुद्राक्ष दीक्षा, और यहाँ पे भी देख सकते हो ईशा उत्सव, और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु, तो यहाँ से आया गया है भाई। ये देख सकते हो आदि योगी की प्रतिमा बनी हुई है, और ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग आप लोग ध्यान से करना, क्योंकि इसको ना तो कैंची से आप काटना और ना ही आप लोग इसको किसी चीज़, मतलब हाथों से ही करना भाई। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो इसमें देखो ये अनबॉक्सिंग हो रही है इसमें, और हम लोग दिखाएंगे इसमें क्या क्या है भाई, क्या क्या निकलता है। ये इस पैर पे रख देते हैं इधर, और सबसे पहले देखो देखो भाई इसमें क्या क्या निकला है। सबसे पहले देखिए भगवान शिव की यानी आदि योगी की प्रतिमा है, ये देखो। और इसमें भाई आप लोग जानकारी है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ये है जानकारी है। प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष से हमें आदि योगी किसी की कृपा मिलती है, आप लोग पढ़ लेना, बहुत सारी भाषाओं में लिखा हो गया है। तो ये और इसमें देखो हमने कितने पैकेट मिले गए हैं, इसमें हमको चार पैकेट मिले गए भाई। तो ये सबसे पहले ये एक विभूति है, यानी आप लोगों को भाई विभूति आप लोगों को एक माथे पे लगानी है, एक गले पे लगानी है, और एक यहाँ पे जो आप लोग पढ़ लेना, तीन जगह लगानी होती है। और इसमें भी एक धागा है भाई, और इसमें भी धागा है, और इसमें दो रुद्राक्ष हैं भाई, रुद्राक्ष एक इसमें अभय सूत्र है, सबसे लंबे वाला धागा अभय सूत्र का होता है, और छोटे वाला धागा यानी गले का, ये देखो भाई, ये है पंचमुखी रुद्राक्ष, ये देखो, और ये देखो। इनको इनको डालने भाई कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी रखनी चाहिए, कि इनको पहनने के बाद ना तो आप लोग किसी की मरकत में जा सकते, यानी कि किसी घर पे मौत हो रही है उसमें नहीं जा सकते, पहन के निकाल के जाना होगा, नहाने से पहले निकाल के जाना होगा। बहुत सारी चीज़ों में इसकी जानकारी है, आप लोग गूगल कर लेना, ध्यान सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। ये देखो भाई क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या, ये दो रुद्राक्ष मिले हैं, विभूति मिली है, आदि योगी की प्रतिमा मिली है। और ये आप लोग इनको ना सिद्ध, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे कि सिद्ध करके बोलते कि सिद्ध करना होता है, वैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पहले से सिद्ध होके आए हैं। अगर आप लोग इनको सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि इनको कंडीशन कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप लोग मत करिए, क्योंकि पहले से ही सिद्ध होके कंडीशन होके आए हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो इसको 24 घंटे आप लोगों को पहले दूध में रखना होता है, या घी में रख लो, पहले घी में रखो 24 घंटे के लिए, फिर उसके बाद दूध में रखो 24 घंटे, फिर उसको निकाल के जल से धो के फिर पहनो। और ये हमें देखो क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसमें जो सबसे बड़े धागा होता है वो भाई हाथ के लिए होता है, अगर लेडीज यानी महिलाएं पहन रही है तो उसको बाएं हाथ में पहनना चाहिए, और अगर जेंट्स पहन रहे हैं तो उसको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। और गले का है ये धागा, छाए छोटा धागा होगा, दिखाता हूँ निकाल के, ये एक धागा देखो भाई,
और इसमें एक ये हो गया धागा इसका भी नहीं। अब ये देखो भाई, इनमें से जो बड़े वाला धागा होगा आप लोगों को हाथ में पहनना है, और जो छोटा वाला धागा होगा आप लोगों को गले में पहनना है। ये सारी चीज़ें हमें मिली गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है तो भाई इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में आप लोगों को इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। ये थी ईशा रुद्राक्ष दीक्षा फाउंडेशन की अनबॉक्सिंग। ये देखो कितनी सारी भाषाएं में लिखी गई हैं। तो ये भाई, ये इस प्रतिमा को आप अपने मंदिर में रख सकते हो, अपनी जहाँ भी आप लोगों को लगे कि अच्छा आप मैसेज करें वहाँ पे रखो इस तस्वीर को। और ये देखो प्रतिमा, ये दो रुद्राक्ष हो गए, इसको पहनने भाई, इसमें धागा डालेंगे और पहनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, और हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।